स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो छत पे शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा नॉइज जो है वो आएगा, इसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मौसम इतना ज़्यादा सही हो रहा है कि मुझे जो है वो टोटली नेचुरल तरीके से वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों बेसिकली बता दें कि आप कोई भी सीन इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों उसमें सिनेमेटिक इफेक्ट डालते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक अभी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, ठीक ना। यदि आप इसके ऊपर वीडियो बनाते हो और इस तरह के पोर्ट्रेट शॉट में वीडियो रिकॉर्ड करते हो दोस्तों, तो आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे इस तरह के ट्रेंड पे आप हिस्सा जब लेते हो तो क्या होता है कि आपका भी वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के एडिटिंग आपको कैसे करना है, पोर्ट्रेट योर फोन वाला है, आपको जो है वो एनिमेशन कहाँ से लाना है, सब कुछ इस वीडियो पे बताने वाले दोस्तों। तो चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर एक चीज स्टेप स्टेप करके बताता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ले चलते हैं आप सभी को अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस आप सभी को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, दो सिंपल सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेना है, दो या दो से अधिक भी आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा क्लिप रहेगा उतना ज़्यादा आपका वीडियो अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैंने दो क्लिप यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, ठीक ना। और दो क्लिप अगर मैं प्ले करके आपको दिखाऊं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल सा बेसिक सा क्लिप है जो कि मैंने शाम के टाइम में रिकॉर्ड किया है दोस्तों। अभी इसको आपके सामने कैसे देखिए उस तरीके से प्रोफेशनल बना के दिखाएंगे दोस्तों। इसमें जो ट्रिक है उस ट्रिक को समझिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये मैंने कर दिया। अभी दोस्तों आपको सहारा लेना है एक एप्लीकेशन का जो हर एक के फ़ोन में होता है। कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपका होगा गूगल फोटोज़, देखिए एक फोटोज़ नाम का एप्लीकेशन होगा, ठीक है। और फोटोज़ नाम के एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको या तो इसमें आएंगे या तो लाइब्रेरी में, और सबसे पहले जो दो वीडियो है उस वीडियो को यहाँ पे क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या तो फिर आप इसको एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैं अभी सबसे पहले तो इस 11 सेकंड वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। देखिए इस एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी नहीं खराब होता, और इससे एडिट नहीं करना है बेसिक सा दोस्तों। इससे मैं करूँगा क्या, इससे मैं वीडियो को बनाऊँगा स्टेबल, जिससे क्या होता है कि वीडियो आपका बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है स्टेबल, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देख सकते हैं कि स्टेबिलाइजिंग, यानी कि दोस्तों जब भी आप उस तरह के वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्टेबिलिटी वीडियो स्टेबल बनाने के लिए दोस्तों आपको बेसिक सा सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करके यार ये करता हूँ तो देखिए वीडियो हमारा एक जरा नहीं हिलेगा दोस्तों, बिल्कुल स्टेबल हमारा वीडियो जो है वो घूम रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कि मैं ड्रोन से शूट कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले सेव कॉपी कर लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद दोस्तों चलिए चले जाते हैं कहाँ पे, जहाँ से वीडियो मुझे एडिट करना है। पूरा प्रोसेस सही से देख लीजिए, अभी सेव होने में कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, जैसे कि आपका जितना सेकंड का वीडियो रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपका टाइम लगेगा। इसमें वीडियो हमारा सेव हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो सेव हो गया। अभी सबसे पहले होम बटन पे जाते हैं और सीधा कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे कहाँ, काइनमास्टर एप्लीकेशन पे। और चलिए दोस्तों अभी मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करके वो दो क्लिप ऐड कर लिया जो मैंने गूगल फोटोज से एडिट किया, यानी कि जो मैंने स्टेबल किया। अभी दोस्तों बेसिक सा पूरा स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले तो ऐसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका साउंड मैं कम कर देता हूँ दोस्तों, इसका भी साउंड और इसका भी साउंड मैं पूरे तरीके से कम कर दूंगा। और कम करने के बाद सबसे पहले तो इसका कलर इन्हेंस करते हैं, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट पे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका सेचुरेशन जो है वो पूरा बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को शाम में रिकॉर्ड किया हूँ, आप जिस तरीके से रिकॉर्ड करोगे उस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर काम होगा। तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, 20:20 पे कर देता हूँ, और सेचुरेशन थोड़ा सा मैं दोस्तों इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सेचुरेशन 70 पे करके अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि वीडियो का थोड़ा सा जो है वो क्वालिटी सही हो गया। यदि आप फिल्टर पे जाना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पे फिल्टर पे जाके गोल्ड पे जाके इसको जो है वो C02 पे जाके, और दोस्तों थोड़ा सा आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप इसको लगभग 20 पे रख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए और ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने में। अभी दोस्तों बेसिक सा यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई सॉन्ग प्ले होता है तो कभी जो है वो स्पीड में आ जाता है, कभी स्लो मोशन में आता है। तो यहाँ से देखिए यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों मैं इसको स्पीड में लाता हूँ। तो स्पीड में लाने के लिए सबसे पहले इसको स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं ऐसे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इसको दोस्तों सबसे पहले 1.5 पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक मैं इसको फिर कट करूँगा इतना दूर तक, और इसको मैं क्या कर दूँगा दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा कर दूँगा स्लोमो कर देते हैं, इसको मैं फिर कर देता हूँ फास्ट, और ठीक है इसको मैं फास्ट करता हूँ। अभी आपके सामने इसको प्ले करके दिखाएंगे, देखिए ये इस तरीके से फास्ट आया, इसको मैं और ज़्यादा फास्ट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे
स्पीड में जाएंगे और ज़्यादा इसको टू पे रख देते हैं, ठीक है, स्पीड में जाके टू पे रख देते। अभी देखिए स्पीड में आया और यहाँ पे इस तरीके से स्लो हो गया, ठीक है। स्लो होने के बाद फिर से ये स्पीड में आया, इसको फिर से मैं क्या करूँगा टू पे कर देता हूँ, इस तरीके से मैं कर दिया, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया। अभी देखिए बीच में जो लाइटनिंग ब्लर आता है वो कैसे आता है उसको देखिए, और यहाँ पे ये जो स्टेप हो गया यहाँ पे चलिए। अभी लाइटनिंग ब्लर जो आता है तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक क्रोमेटिक जूम, तो यदि क्रोमेटिक जूम आपने काइनमास्टर पे डाउनलोड किया है तो ठीक है, और नहीं डाउनलोड किया है तो आप यहाँ पे इस पे डाउनलोड करके दोस्तों यहाँ पे जो घर बना हुआ है उस पर करके क्रोमेटिक जूम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से क्रोमेटिक जूम होगा, इसको वन पे कर देंगे, ठीक है, इसको वन पे कर देंगे, और इफेक्ट आप अपने सामने देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, देखिए इस तरीके से इफेक्ट आ रहा। तो जिसमें भी आप क्रोमेटिक जूम लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ऐसे देखिए क्रोमेटिक जूम यहाँ पे मैंने लगाया और इस पर भी लगा दिया, देखिए क्रोमेटिक जूम लगाया और इस पर क्रोमेटिक जूम लगाया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें कोई सा भी सॉन्ग ऐड करके जो आपको सही लगे, और आप इस तरीके से अपने वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और दोस्तों प्रोफेशनल लुक में आपका वीडियो आएगा। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पर से आप सभी को हर एक चीज़ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, चैनल पर नहीं तो जो से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।